से कुछ का प्राण लेने बच गई मेरी बिछड़े से जान। चुप कर मूर्ख, ऐसा क्या हुआ, क्यों खा रहा है तू मेरे कान। अरे उसकी बीबी चटक चांदनी बैठी वो घर में एक अपनी नाम की शैतान है और ले लेते हो लोगों का प्राण। चुप कर मूर्ख, काम चोर कहीं का एक तास खत्म नहीं कर सकता। चल तुझे पेशी करता हूँ यमराज के पास, चल यमराज के दरबार में। बहुत लोग दिख रहे हैं आज यहाँ मुझे, सबको ले जाऊंगा एक साथ। महाराज मैं हूँ मैं। आ मूर्ख आ। नहीं नहीं वो सीनियर नहीं आ रहे। आज तेरी भी खैर नहीं, तेरे सीनियर्स की भी खैर नहीं। नहीं नहीं सीनियर नहीं आ रहे। तेरे सीन तेरी पहले मैं एओपी देखता हूँ, फिर तेरे सीनियर्स की एओपी देखता हूँ पहले से मुझे, और फिर मैं देखता हूँ क्या हश्र होगा तुम दोनों का आज शाम को। पहले से मुसीबत में एओपी मत देखो। मेरे सीनियर्स का तो हर लोग माल फंक्शन हो रहा है, इसीलिए नहीं आ रहे अंदर। और तुम लोग भी हंसो मत, सबको ले जाऊंगा साथ। प्रणाम महाराज। प्रणाम। प्रभु इस यमदूत में नहीं रहा अब दम, कैसे करेंगे हम अपने टास्क खत्म। यम है हम, जरूर इस मुल्क में की होगी दम, इसीलिए करता है काम कम। नहीं नहीं प्रभु आप स्वयं चल के देखो, वो चंपूलाल के घर में एक अग्नि नाम की शैतान है और उसमें है दम, वो सबको लेते थे। यम है हम, चित्रगुप्त यम है हम। चलो चंपूलाल के घर चलते हैं। चलो प्रभु चलो। अजी सुनते हो? बोलो मेरी जान चटक चांद। अरे वही तो कर रहा हूँ मेरी माँ, सब लोग कहते हैं सुबह ले लो शिव जी का नाम, ये मेरा खाती रहती है कान। अरे कितनी बार कहा है ये प्रेस ऐसे मत रखो, क्यों रखा है ऐसे? अरे ये क्या है, ये वायर भी इधर से कटा हुआ है। गलती होगी माँ, ये छोटी सी बात इतना बड़ा बवाल कर देती हो। छोटी सी बात लगती है तुम्हें? पता है अगर आग लग जाएगा तो यम याद आ जाएगा। यम महाराज यही है वो आग, यही है पिछले जब मैं चंपूलाल के घर में गया था, यही था दुष्ट, इसने ही प्रेस ऑन रखा था और ये सर्प जैसी पूछ बीच में कटेली। जैसा मैं चंपूलाल को पकड़ने गया वैसा ही मेरा पैर पड़ा, इतना जोर से झटका माया और कैसे बन जाती है मनुष्य के ऊपर मौत का साया। अजी सुनते हो, कहां मर गए सुबह सुबह? अरे वापस आ गया मुल्लू की आवाज। शादी में कहीं तो सुनने आ रहा हूं मैं। अरे ये क्या है, ये स्विच प्लेट ऐसे क्यों छोड़ा, कितने बार बोला है इसको बंद किया करो, बच्चे का उंगली लग गया तो अंदर। पता है ना क्या हुआ पांडे जी की बीवी के साथ? हाँ पता पता है। के बिचारी मर गए। हाँ हर कोई ऐसा पांडे जी सा तकदीर वाला नहीं होता है। ठीक है मैं आपी चला जाओ। तो ये है स्विच बोर्ड नामक यंत्र। हाँ प्रभु यही है आपका घर, और माचिस सिगरेट सिलेंडर का गैस वो भी है उसका घर। तो देखें इसमें कितना है दम। नहीं प्रभु आपको नहीं, मैं पांडे जी के बीबी का पहले डिटेल्स तो चेक कर लूं। देखो ये देखो प्रभु। अरे मूर्ख तू ही तो लेने गया था उसके प्राण, भूल गया? हाँ मैं ही गया था, बिजली के झटके से जलकर मौत हो गई थी, आईसीयू में लेने गया था।
ये बिजली झटका देती है या जलाती है? प्रभु, पहले पांडे जी के बीबी को बिजली का झटका लगा, लेकिन किसी ने भी मेन स्विच बंद नहीं किया, फिर बिजली के गर्मी से जल गई और बाद में उसकी मौत हो गई। प्रभु चित्रगुप्त, यम है हम देखते हैं कितना है इसमें दम। नहीं नहीं प्रभु, झटका लग जाएगा। यम है हम। नहीं प्रभु नहीं। पानी क्यों डाला? पानी तो विद्युत का अच्छा प्रभाव होता है। बहुत ताकतवर है ये बिजली, यम को दम दिखाती है। चलो चंपू लाल के दफ्तर, वहां से उठाते हैं यम है हम। चलो प्रभु चलो। अरे आज तो काम करने का बिल्कुल मूड नहीं है, कोई चाय पिलाए तो मजा आ जाएगा। आज का चाय का बंदोबस्त हो गया, मूड ठीक नहीं लग रहा है। अरे चंपू यार क्या हो गया, बहुत उगड़ा उगड़ा लग रहा है। हाँ यार, बीवी ने परेशान करके रखा है, हर बात पे टोकती रहती है। अरे वो तो हर बीवी की कहानी है। सुन, तेरे पास तो बहुत अच्छी की चले यार, चाय तो पिला। हाँ एक मिनट रख देता हूँ। कुर्सी है बैठ यहाँ पे। चाय तो पिला। अच्छा अपना वो खड़ूस आ गया क्या? कौन? अपना बॉस? हाँ वही अपना, रे हिटलर के औलाद। अभी तो नहीं दिख रहे, शायद वॉशरूम गए रहेगा प्रेशर रिलीज करने के लिए। आने के बाद डालेगा अपने ऊपर प्रेशर। और यार हाँ यार काम करते रहे यार, और करीब लेके जाएगा वो। लगता आ गया। अरे रुक, मैं जाता हूँ, मेरा रिपोर्ट सेंड करता हूँ। चल 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 चल। ओके चलो प्रभु, इसको उठा लेते हैं अभी। हाँ जब अंदर आओ। आ रहा हूँ। सुबह बीवी ने खाया, अब ये खा लेगा। भगवान उठा ले। देखा प्रभु, चंपूलाल फिर से कीटल ऑन छोड़ के ही चला गया, अब इसमें लगेगी यार। और चंपूलाल गो। लेकिन प्रभु, इलेक्ट्रिकल कैटल ऑन रखने से कैसे लगेगी यार? इस इलेक्ट्रिकल कैटल में होता है बिजली का प्रकोप, जो पहले चलाती है फिर नहीं छोड़ती इसको। इडियट हो गया क्या है ये? रिपोर्ट है, 10 साल हो गए आपको जीएम बने हुए, आपको ये नहीं मालूम कि साइट रिपोर्ट कैसे बनाते? घर में प्रॉब्लम है सर। घर में प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम घर में रखो, यहाँ मत लेके आओ। बीवी को घर पे ही रखा है। अरे मुझे क्या पता है, लिखा रहेगा देख। तो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं लिखा है। अरे 10 साल हो गए तुम्हें काम करते हुए, निकम्मों की फॉर्म भर्ती कर रखी है यहाँ पे, किसी को नंबर मालूम नहीं है। 5100 डायल करो, 5100 5100। अरे ठीक से बुझा। हेलो कंट्रोल रूम, हेलो। हां कैबिन नंबर 420 पे आग लगी है। हां 41420। बहुत ज्यादा रकम जा रहे हो। अरे भाई आग बढ़ जाएगी। चित्रगुप्त, ये दूरभाष यंत्र में किससे बात कर रहा था और क्या बात कर रहा था? लगता है प्रभु, इस बिजली से भी कहे है उसका बड़ा बाप। इसे दूरभाष यंत्र से अग्निशमन कर्मचारियों को फोन किया था। अभी यहाँ पे अग्निशमन कर्मचारी अग्निशमन यंत्र लेके आएंगे और ये आग बुझा देंगे और ये चंपूलाल फिर से बच जाएगा। क्या फिर से बच जाएगा? उस बिजली से जिसने हमें डांस करा दिया था। लगता है तेरी बिजली में नहीं रहा दम। नहीं प्रभु नहीं, बिजली में है दम, अग्नि में भी है दम, कर सकती है आपके प्राणों को भी खत्म। इसीलिए कहते हैं बिजली से अंसे ब्रहो कम। और सुनो, पुराने बिजली पुराने वायर और पुराने वाले स्विच
बटन वेपर है तो तुरंत बदला दो, नहीं तो यम लेके जाएगा। यम, अब मुझे नहीं जरूरत यमदूत की भी, मैं चला लूंगा बिजली और आग से काम, जिससे किसी का भी हो जाएगा काम तमाम। कान खोल कर सुन लो, बिजली और आग के यंत्र में रहता है काल। और सुन ले मेरे भाई चंपूलाल, अगर इनसे बच गए तुम जियोगे हजारों साल।